और फोर्थ वाले भी याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे इस तरफ, ठीक है, कि हम कैसे क्या करते हैं। आपको मैंने वर्ब के बारे में बोला था, वर्ब के बारे में बोला था ना मैंने, वर्ब क्या होता है, डिनोट क्या होता है, जाहिर करता है, क्या होता है, बाहर एक्शन क्या होता है, काम। इसको उर्दू में वर्ब को क्या बोलते हैं, से, ठीक, वो वाला फेल नहीं जो एग्जाम देके होते हैं, वो वाला नहीं, फेल होता है काम, ठीक। तो वर्ब क्या होता है, एक्शन को डिनोट करने वाला। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था, पढ़ाया था नहीं, उसका याद रखा है, वो फॉर्मूला क्या होता है याद रखा किसी ने, मुझे पता है नहीं रखोगे, क्योंकि आप एक दिन आते हो और फिर हफ्ते के बाद दोबारा आते हो, या हफ्तों आते ही नहीं होते, मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन अब पढ़ाना मेरा काम है, लेकिन याद रखना तो आपका काम है ना, कि मैं ही याद करके लिखू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेस वर्ब, बेस वर्ब यानी बेस क्या है, बेस वर्ब, बेसिक वर्ब जो होगी वो लिखेंगे, ठीक है, कोई भी वर्ब हो, हम कोई भी वर्ब लेते हैं, जैसे प्ले, प्ले, प्ले एक वर्ब है, क्या है, प्ले एक वर्ब है, प्ले क्या होता है, खेलना, खेलते तो बड़े मस्त हो, खेलना, हाँ, सी, सी क्या होता है, देखना, देखना, बी, बी होता है होना, ठीक है, ठीक, माय मुस्कुराना, मुस्कुराना होता है, हंसना, लॉ हम क्या करते हैं, वी जस्ट प्लेस आई एन जी, प्लेस आई एन जी, क्या करते हैं, हम आई एन जी लगाते हैं इसके साथ, क्या लगाते हैं, किसी भी वर्ब के साथ हम आई एन जी लगाते हैं, जैसे यहां पीछे क्या था, प्ले था ना, प्ले, प्ले, हम क्या लगाएंगे, आई एन जी, प्ले, प्लेइंग जब हम बोलते हैं इसका मतलब है खेल रहा है, नहीं, ठीक है, सी, सी होता है देखना, तो लेकिन सीइंग होता है देख रहा है, है, ठीक, बी, आई एम जी बनाएंगे तो बीइंग हो गया, ठीक है, स्माइल, एस एम आई एल, स्माइल, L-I-N-G, smiling, love, laughing, ठीक है, अब यहां आप देखोगे smile, smiling, यहां पर देखा हमने इधर लास्ट पे smile, अच्छा इसी तरह से हम अगर यहां पे लिखेंगे रन, रन, रन होता है
दौड़ना दौड़ना अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं स्टॉप, हम लिखते हैं स्टॉप, स्टॉप होता है रुकना। रुकना या रोकना दोनों चीजों को बोलते हैं, ठीक। लेकिन जब हम रनिंग लिखते हैं ना, आर यू एन आई एन भी लिखने देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ये, क्योंकि ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जहां पे हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, कुछ डिफरेंट करना पड़ता है, कुछ अलग करना पड़ता है, इसलिए मैं ये सिखा रहा हूं आपको, क्योंकि आपको ध्यान में रहे कि ये या हम बिगिन लिखते हैं BEGIN बिगिन, बिगिन होता है शुरू करना, शुरू करना। अच्छा, यहां पे जब हमने ये बनानी है, इसको बोलते हैं पार्टिसिपेंट, क्या बोलते हैं पार्टिसिपेंट, यहां से करेंगे हम डबल एन आई एन जी। अब आप बोलेंगे डबल एन कहां से आया, ठीक है, यह है ना रन, अगर हमें रनिंग लिखना है तो हमें क्या करना चाहिए था, हमें करना चाहिए था आर यू एन आई एन जी, लेकिन ये डबल एन कहां से लगाया हमने, ये मसला है। बिगिन है बी ई जी आई डबल एन आई एन जी बिगिनिंग, ये हो गया बिगिन। अब बोलोगे डबल एन कहां से आ गया, ठीक है, इसमें क्या होता है, हां एक और एल आई लाई, लाई होता है झूठ, झूठ बोलना, हाँ जो आप बहुत बोलते हो, या क्या होता है, यह होता है हमारे पास डाई डी आई ई डाई, डाई होता है मर जाना, मर जाना, ठीक है। इसमें क्या मसला है, अब यह देखना आपने, जिसको मैं यहां रखूंगा पीछे एक एरो, वो चीज आप ध्यान देना, बिगिनिंग लाई, अगर लाई लाई का पार्टिसिपल बनाना हमें एल वाई आई एन जी। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये एल वाई कहां से आ गया, वाई वाई है ना, ये कहां से आ गया, डाय डी वाई आई एन जी, ये डाई हो गया। इसमें क्या करते हैं हम, यहां तो हमने सिर्फ खाली आई एन जी लगाना था ना, ये वाला आई एन जी लगाना था, इधर भी हमने आई एन जी ही लगाया, देखो जैसे रनिंग आई एन जी, रनिंग आई एन जी, रनिंग लाइन इन 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 ही लगाएगा आई एन जी इन, लेकिन यहां पर क्या था आई डी आई ई डाई, यहां क्या बन गया डी वाई डाई, एल आई लाई यहां क्या बन गया एल वाई लाई, ये क्या मसला है, ये मसला मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि छोटी क्लास में हो, अब बहुत बड़ी क्लास होती तो उनको अच्छे से समझा पाता मैं, लेकिन आपकी समझ में जल्दी नहीं आएगा, लेकिन ये ध्यान में रखना है आपने, क्योंकि बड़ी क्लास में जब पहुंचता है इंसान फिर वहां थोड़ी ये चीज बोलेंगे, वहां तो सीधे डायरेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक। तो मैं चाहता हूं कि आपको ये ध्यान में रहे कि ये मसला क्या है,
ये जो मसला है ये है। तो जब भी हम जैसे हमारे पास क्या था, हमारे पास था स्टॉप, क्या था STOP, यहां पे हमने ये लिखा है ना L। अब यहां पे ये F जो है एक कॉम्पोनेंट है, क्या है T जो है ये भी कॉम्पोनेंट है, ये फ्रंटल है, F लेटरल है और O फिर एक वॉवेल है। O क्या है वॉवेल, ये कॉम्पोनेंट है, ये भी कॉम्पोनेंट है, ये वॉवेल है और ये है स्ट्रेस कॉम्पोनेंट, स्ट्रेस एससी स्ट्रेस कॉम्पोनेंट, यानी स्टेम स्ट्रेस मारते हैं। कॉम्पोनेंट ही देगी, लेकिन इधर क्या होता है कि ये वॉवेल जो है, ये वॉवेल स्ट्रेस, सॉरी ये वॉवेल जो है ये स्ट्रेस है, बीएस वॉवेल स्ट्रेस है, इसलिए हम कैसे करते हैं स्टॉप स्विच स्टॉप पुट करते ना, इसका मतलब ये वाला जो है वो स्ट्रेस है, इस पे स्ट्रेस है लेकिन ये फिर आवाज रुक जाती है स्टॉप। अगर हमने स्टॉप पिंग लिख रहे हैं, जैसे उर्दू में हमारे पास एक ये चीज आती है कि उर्दू में हम तशदीद डालते हैं तो ये काम उससे हो जाता है, किससे तशदीद से, तशदीद पता है तशदीद होती है ना उर्दू में, जैसे ऐसे होती है तशदीद, उसमें ये इस काम को इससे करते हैं, हम डबल करते हैं, एक चीज को डबल करते हैं, लेकिन इंग्लिश में वो नहीं है। हम क्या लिखते हैं, हम करते हैं, हम लिखते हैं, हमें वो अल्फाबेट जिसका जिससे पहले एक स्ट्रेस वॉवेल हो उसको दो बार लिखना पड़ता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं यहां पे स्टॉपिंग मैंने लिखाई है, तो यहां पे हम स्टॉपिंग लिखते हैं, स्टॉप बी स्टॉप STOPPING, क्या करेंगे हम STOPPING स्टॉपिंग, क्या करेंगे स्टॉपिंग स्टॉपिंग, लाइक इन डाइक इन बिगिन नी बिगिन नी, क्योंकि न जो है ना ये नासल कंपोनेंट है, नासल नाक से आवाज निकालनी पड़ती है हमें, एम और एन जब हम बोलते हैं तो नाक से आवाज निकालनी पड़ती है, इसलिए इसको इनको बोलते हैं नासल कंपोनेंट्स, क्या बोलते हैं नासल कंपोनेंट्स, यानी नाक से आवाज निकालनी पड़ती है, एन और एम ये दोनों जो है इनकी आवाज जब हम निकालते हैं, जरा बोलो एम कहां से निकली आवाज, आवाज कहां से निकली, मुंह से नहीं निकली, नाक से निकली, निकली ना, जैसे एम नाक से निकली आवाज, हाँ तो इसका मतलब है ये नासल है, नाक से हम इनकी आवाज निकालते हैं, तो स्टॉप। तो ये तस्दीक का काम जो उर्दू में है वही चीज है, यहां पर हमने डबल करना है उसको, जैसे हम अगर बिगिन नी बिगिन तो ये जो है ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल है, अच्छा लॉपिंग भी नॉर्मल है, रनिंग नहीं नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है, स्टॉपिंग नॉर्मल नहीं है, बिगिनिंग नॉर्मल नहीं है, लाइंग नॉर्मल नहीं है और ये जो है नॉर्मल नहीं है। इसमें रूल क्या है, यहां पे मैं रूल बताता हूं, इसका रूल क्या है, जो आम वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम जस्ट मेयरली प्लेस आईएनजी, हम जस्ट आईएनजी लगाते हैं और बात खत्म हो जाती है, ठीक है यहां तक। लेकिन यहां जो है जब पहले हमें हमारे पास स्ट्रेसिंग वॉवेल है, स्ट्रेसिंग वॉवेल है, अब यहां बोलेंगे आप स्ट्रेसिंग वॉवेल, वॉवेल नहीं है लेकिन यहां पर अरन अर रन 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 हो गया ना, ये भी स्टॉप।
ऑप्शन अवेलेबल है। नाफुल कॉम्प्लीमेंट से पहले उसके ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे अगर आप रन लिखे यहाँ पे, ये देखो आर, ये क्या है, ये कंसन है, लेटरल है। अच्छा उसके बाद यू, यू पे स्टॉप है यहाँ पे, ये इससे स्टॉप है, ये स्टॉप अवेलेबल है। और फिर एम, एम जो है ये नाफुल कॉम्प्लीमेंट है, नाफुल कॉम्प्लीमेंट। तो यह है स्टॉप वॉवेल और यह है लेटरल, लेटरल कॉम्प्लीमेंट। तो ये चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पे सिर्फ वॉवेल की बात है। तो वॉवेल को जब हम स्ट्रेस करते हैं, रन रन रन, एंड फिर एंड में हमारी आवाज नाक से निकलती है, इसलिए रुक जाता है। तो जब हम रनिंग रन इंग नहीं कर सकते, फिर हमें ऐसे पढ़ना होगा इसको, रन इंग, लेकिन ही ना बन रहा है रन नहीं। तो लर्निंग का मतलब ये होता है कि आसान किया जाए लोगों चीजों को, आसान किया जाए ताकि अदा कर सके, इसीलिए हम करते हैं रनिंग 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 रनिंग। तो रनिंग में हम क्या करते हैं, हम रन तो हमने वैसे ही लिखा, हमने रन वैसे ही लिखा, आर यू एम रन, एन आई एम ई मीन रनिंग, आर यू एम रन, एन आई एम ई मीन रनिंग। तो ये तहजीब का काम जो है वो यहां पे इसने डबल एम ने किया। तो स्टॉप, एस सी ओ पी, स्टॉप, यहां पे हमें ये करना पड़ेगा, स्टॉप पी आई एन डी पी, स्टॉप पी, स्टॉपिंग स्टॉपिंग, आई एम स्टॉपिंग द लेक्चर राइट नाउ, आई एम स्टॉपिंग द क्लास राइट नाउ, स्टॉपिंग। अगर हम वैसे पढ़े तो स्टॉपिंग उसमें हमें अदा करने में बहुत दुश्वारी होगी, स्टॉपिंग स्टॉपिंग स्टॉपिंग, ऐसे ऐसे नहीं बनते, बनता है काम, इसीलिए स्टॉपिंग स्टॉपिंग स्टॉपिंग। बिगिनिंग बिगिन बिगिन निंग बिगिनिंग। अच्छा अब ये लाइन का क्या मसला है, ये लाइन क्या मसला है, ये लाई और डाई का क्या मसला है। अगर हमारी बेस वर्ब, ये बेस वर्ब्स है हमारी बेसिक वर्ब्स, जो आम सी वर्ब्स होते हैं उनको बेस वर्ब्स बोलते हैं। हमारी बेस वर्ब जो इफ 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 बेस वर्ब, बेस वर्ब एंड अगर ये खत्म हो जाए इस पर, आई ई पर, आई ई पर, जैसे डाई में लाई में और डाई में आई ई पर खत्म होती है ना, आई ई, वी कैन आई ई इंटू आई ई को हम चेंज करते हैं इसमें डायरेक्ट वाई में, हम वाई में चेंज करते हैं, किसमें चेंज करते हैं वाई में, जैसे एल आई ई लाई, तो हम क्या करेंगे एल को ऐसे ही रखेंगे, तो वाई आई एन जी लाइन, यानी झूठ बोल रहा है। जैसे मैं झूठ बोलू, नहीं मैं तो झूठ नहीं बोलू, लाई एल आई ई लाई हो गए ना, तो इसको हम एल वाई करेंगे सीधा, आई ई को हम वाई में चेंज करेंगे, जैसे बोलता है आई ई को हम चेंज करेंगे वाई में, तो आई ई जो है चेंज होगी इसमें डायरेक्ट चेंज होगी वाई में। कहां पे, जब हमने इसको पार्टिसिपल बनाना है, रूल ये है लाइन, तो डाई है तो हम क्या करेंगे डी वाई आई एन जी डाई। तो हम जब यूटिलाइज करना है हमने प्ले, तो हम करेंगे जैसे मैं करूंगा आई एम प्लेइंग प्लेइंग आई एम प्लेइंग देख रहा हूं, सीइंग इट, मैं इसे देख रहा हूं। अच्छा
जैसे यहां पे आई कुछ हो बीन बीन द टीचर आई शुड एक उत्साह उदाहरण नहीं क्या करना चाहिए वॉक हार्ड एक उत्साह उदाहरण दे क्या करना चाहिए मेहनत करनी चाहिए आई एम स्माइलिंग आई एम वॉकिंग अच्छा यार ये हो गए ना तो इसको क्या हम करेंगे आई एम रनिंग आर यू डबल एम आई एम जी रनिंग आई एम रनिंग मैं दौड़ रहा हूं आई एम स्टॉपिंग द कार आई एम स्टॉपिंग आई एम स्टॉपिंग द कार मैं गाड़ी रोक रहा हूं आई एम बिगिनिंग मैं इसे शुरू कर रहा हूं ही इज लाइन वो झूठ बोल रहा है ही इज डाइंग वो मर रहा है ठीक है तो ये आ गया आपको समझ में क्या होता है मसला है नहीं आप रोज ही बोलते हो आप तो रोज ही बोलते हो हमें समझ आ गई लेकिन हाँ क्या करें समझ आपको आती नहीं है समझ आई किस को समझ आया यहां खड़े करो किस को इतना आई देना कोई समझ चलो लिखो ये और ये वाले लफ्ज जो है मैंने ये वर्ड्स दिए हैं इनको याद करना ठीक